अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम आ गए हैं अपनी छत पे, रूफ़ पे, जो हम ये अपने कबूतरों को दाना वगैरह दे रहे हैं ना, ये खा रहे हैं, फिर ये बच्चों को फीड कराएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कबूतर ने जैसे अंडे दिए हैं, ये नकाबपोश प्रिपेयर है फैंसी का, ये आम कॉमन गोला कबूतर है, ये मादी अभी कुछ दिनों में अंडे दे देगी, पेयरिंग हुई हुई है इनकी, क्रॉस वगैरह कर रहे हैं, सही है। और ये देखें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कबूतर होते हैं तो वो इसमें डाल देते हैं, खुले खुले घूमें। और ये मैगपाई का जोड़ा है, ठीक है, ये छत के हमारे कंडीशन है। और बाकी ये कि पिजन वगैरह हमारे केज के अंदर ही रहते हैं, खोलते नहीं हैं हम, ठीक है। अब यहाँ आ जाएं आप, ये देखें, ये जैकोबिन का एक और जोड़ा है, ये एज चिक्स हैं जैकोबिन और मैगपाई के, कॉमन गोला कबूतर से निकलवाए हैं, ब्रूडिंग करवा के, मतलब फैंसी के अंडे इनके नीचे रख दिए थे, तो फिर उसके बाद ये चिक्स पैदा हुए, समझे आप। ये है जैकोबिन का जोड़ा, ये इसी का बच्चा है, जैकोबिन के जोड़े का ही बच्चा है ये। और ये नीचे भी मैं अपना मैगपाई का बच्चा है, आम कबूतर से निकलवाया है अंडा दौड़ा के। तो ये आप देखें, ये हमारी पेयरिंग हुई हुई है। अब ये है कि हम अपना फैंसी कबूतरों को सोल आउट करेंगे, और आम जो है, आम कबूतरों का शौक़ है कि वो उसको बढ़ाएंगे, ब्रीड कराएंगे और फ्लाई करवाएंगे उनसे ना। तो ये आप मेरा पिजन का सेटअप देख लें, कम हैं लेकिन अच्छे हैं, समझ रहे हैं आप, कम हैं पेयर लेकिन अच्छे हैं, और सारे एज इट इज़ खूबसूरत, एक दूसरे मतलब ब्रीड के हिसाब से, उड़ाने के हिसाब से सब अच्छे हैं। तो फैंसी इंशाल्लाह संडे को हम कराची लेके जाएंगे, वहाँ भी अपना एक ब्लॉग बनाएंगे कराची में। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।